अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। वाक्य मैं जिस किताब से नकल कर रहा हूँ उसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं वीडियो में। इस किताब से ये मैं वाक्य नकल कर रहा हूँ। अबुल हसन अली इब्ने अहमद बिन मोहम्मद उमरू का बयान है कि मैंने अबुल कासम हसन बिन मोहम्मद मारूफ बिन वफा को कूफा में कहते हुए सुना कि मस्जिद हराम में मौजूद था, यानी कि हसन बिन मोहम्मद मारूफ बिन वफा ये कह रहा था कि वो मस्जिद हराम में मौजूद था कि मैंने लोगों को देखा मकाम इब्राहिम के इर्द गिर्द जमा है। मैंने कहा क्या बात है? लोगों ने कहा एक राहिब आया हुआ है। मैं उसके पास गया, वो एक शेख पैकर थे जिनके जिस्म पर ऊन का जब्बा और टोपी थी। वो बड़े डील डोल वाले थे, मकामे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने बैठे हुए थे। हसन बिन मोहम्मद मारूफ बिन वफा कहते हैं कि मैंने उन्हें कहते सुना कि मैं गिरजाघर, यानी राहिब कह रहा था कि मैं गिरजाघर में बैठा हुआ था। मैंने वहाँ से गिद्र की मानद एक परिंदे को देखा जो समंदर के किनारे पड़े हुए एक पत्थर पर आकर गिरा। उस गिद्धनुमा परिंदे ने इंसान के चौथे हिस्से जिस्म को इस पत्थर पर फेंका और फिर उड़कर चला गया, फिर वापस आया और इंसान के चौथे हिस्से जिस्म को पत्थर पर फेंक कर वापस चला गया, फिर जिस्म इंसानी का चौथा हिस्सा लाया और फिर फेंक कर वापस उड़ गया, आखिरकार चौथा हिस्सा लाया, इन चारों हिस्सों को जोड़ दिया, इनसे इंसान बनकर खड़ा हो गया। मैं ये देख कर ताज्जुब में पड़ गया। फिर वो परिंदा इस इंसान पर टूट पड़ा, इसे एक ज़रब लगाई और इसके जिस्म का चौथा हिस्सा लेकर उड़ गया। इसी तरह जिस तरह उसने एक एक हिस्सा करके चार हिस्से जोड़ के इंसान बनाया था, वैसे ही उसने फिर एक एक हिस्सा करके इंसान को ख़त्म कर दिया। वो राहिब कहता है कि मैं देखकर बड़ा मुतफक्कर हुआ और अफसोस भी कर रहा था कि मैंने इसके बारे में क्यों छानबीन नहीं की। मैं पत्थर को तलाश करने लगा, हत्ता कि मैंने परिंदे को फिर आते हुए देखा कि इंसानी जिस्म का चौथा हिस्सा इसके पास है और वो फिर पत्थर पर बैठ गया। मैं इसके मुकाबल पोशीदा हो गया, यानी इससे छुप गया। वो इंसानी जिस्म के चारों हिस्सों को एक एक करके लाया, इन्हें जोड़ा और उड़कर चला गया और वो आदमी खड़ा हो गया, यानी फिर वो आदमी की शक्ल में बन गया। मैं इसके करीब गया और पूछा कि तुम कौन हो? ये सुनकर वो खामोश हो गया। मैंने कहा उस ज़ात की कसम जिसने तुझे पैदा किया, तुम कौन हो? फिर उसने कहा मैं इब्ने मुलजम हूँ। पूछा तुमने क्या गुनाह किया है? कहा मैंने अली इब्ने अबी तालब अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। अल्लाह ताला ने इस परिंदा को मुझ पर मुसल्लत किया है, वो रोज़ मुझे कत्ल करता है। अभी वो मुझसे बातें कर रहा था कि परिंदा उस पर टूट पड़ा और ज़रब लगाई, इसके जिस्म का चौथा हिस्सा लेकर उड़ गया, फिर आया और चौथा हिस्सा ले गया, आखिरकार तमाम हिस्सा लेकर उड़ गया। और आप कहता है कि मैंने लोगों से पूछा कि अली कौन थे? शख्स हैं, कहा कि वह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्ने अम और वसी हैं।